फरमाया आजाद मिलजुल कर। बहरहाल मुलाहिज़ा फरमाएं, मेरा इरादा था आज कि मैं 18 मजालिस के इस सिलसिले का आगाज हमद इलाही से करूं। अगर आप लोग आमादा हैं तो चंद अशार हमद इलाही के सुनाना चाहता हूं। एक सलवात इरशाद फरमाया हज़रात। मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ज़ाते मादर में नजर आता है चेहरा तेरा, ज़ाते मादर में नजर आता है चेहरा तेरा, मानता भी है एक एहसान खुदाया तेरा, तूने बिलवास्ता पैदा किया इस दुनिया में, तूने बिलवास्ता पैदा किया इस दुनिया में, रब्त है फिर भी बिला वास्ता मेरा तेरा, सोचता हूं तो मुझे खुद मगरूर आता है, तू है माबूद मेरा और मैं बंदा तेरा, मैं गुनाहगार हूं तू फिर भी करम करता है, मैं गुनाहगार हूं तू फिर भी करम करता है, प्यार लगता है मुझे माँ से ज्यादा तेरा, तू नगर होता शेर मजा की जगह के, तू नगर होता तो मिलता ना अली को भी वजूद, तू नगर होता तो मिलता ना अली को भी वजूद, ना अली होते तो होता ना तेरा, तू न होता तेरा हुआ होना तेरा, जेब देता है अली, जेब देता है तुझी को हुआ होना तेरा, तेरी जानिब तो इशारा भी नहीं हो सकता, तेरी जानिब तो इशारा भी नहीं हो सकता, हर जगह है जो बयक वक्त नजारा तेरा, हर जगह है जो खूब है दावे कुरान, फसम्मा या रब फाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्ला, खूब है दावे कुरान फसम्मा या रब, जिस तरफ उठे नजर है वहीं चेहरा तेरा, जिस तरफ कौन दीवाना है ऐसा कि जो ना वाकिफ हो, कौन दीवाना है ऐसा कि जो ना वाकिफ हो, गोशे गोशे में है कौनैन के शोहरा तेरा, और भूल सकता नहीं हरगिज तुझे कोई बंदा, उसकी हर सांस पर एहसान है मौला तेरा, तेरी सन्नाई के सदके तेरे कुन के कुर्बान, तेरी सन्नाई के सदके तेरे कुन के कुर्बान, खाक के जर्रे भी पढ़ते रहे कलमा तेरा, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, खाक के जर्रे भी पढ़ते रहे कलमा तेरा, तूने शहकारों में शहकार बनाए 14, तूने शहकारों में शहकार बनाए 14, तेरी फनकारी पर हम करते हैं, तेरी फनकारी पर हम करते हैं सजदा तेरा, हर सताइश की है मंजिल फकत एक जात तेरी, शिव जगह के हर सताइश की है मंजिल फकत एक जात तेरी, हमद है तेरी सना तेरी कसीदा तेरा, हमद है तेरी सना तेरी कसीदा तेरा, अपने आईने कसरत में दिखाई तौहीद, अपने आईने कसरत में दिखाई तौहीद, सजदा करवा गए कुफार से 14 तेरा, अपने आईने कसरत में दिखाई तौहीद, सजदा करवा गए कुफार से 14 तेरा,
मुनकिरों ने तो मिटाने की बड़ी कोशिश की, मुनकिरों ने तो मिटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस्लाम बचा लाए हैं 12-13। मुनकिरों ने तो मिटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस्लाम बचा लाए हैं 12-13। और जो है अकवान में इम्कान में सब तेरा है, जो है अकवान में इम्कान में, जो है अकवान में इम्कान में सब तेरा है। लोग बेकार किया करते हैं मेरा तेरा, फितना करता है जो दुनिया में उसे क्या मालूम। इस घरों में जो हो मौजूद किया है तो खुदा है, एक ही वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद उस जात ने जब सजदा किया है तो खुदा है। बेकार की बहसों को नौनवान बनाओ, जब कह दिया है दर ने खुदा है तो खुदा। बेकार की तैयारी है, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है के निवालों में आ गए। भाई शेर सुनिएगा, कंकर कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए। अल्लाह अकबर। अगर नहीं सुनना है तो मौलाना को बुलाऊं, मैं एक शेर सुनाना चाह रहा हूं। मुला फरमाए आज कंकर जो मेरे मुंह के, शेर सुनाना चाह रहा हूं आज ही मैं, इंशाल्लाह रोज सुनाया जाएगा लेकिन सुने। कंकर जो मंदर भाई मुला फरमाए, सारे लोग सुने भाई, क्या कंकर जो मैं एक शेर सुनाना चाह रहा हूं, मुला फरमाए शायद बहुत पसंद आए। कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन, अरे मिसरा पढ़ने जा रहा हूं सुने, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए। जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया। हाय 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 भाई सुने आप हजरात, जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया, कातिल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए। हाय हाय भाई शेर नहीं सुन रहे, अल्लाह अल्लाह, अरे भाई शेर पढ़ रहा हूँ भैया, अल्लाह अकबर। भाई शेर सुनिए, अल्लाह अकबर। ये दो शेर के लिए सिर्फ एक मिनट लगा है, पढ़ने में तो एक मिनट लगा है लेकिन बहुत मेहनत होती है। कि जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया, जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया, कातिल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए, कातिल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए। जब गासिबा ने बाग़े फिदक का उठा सवाल, शहजादी की मजलिसें देखे, ये सब तो पढ़ा जाएगा, मजमा नहीं बख्शवाएगा, वाम नहीं बख्शवाएगी, मौला शहजादी बख्शवाने वाली है। शेर सुनिए, कि जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया, कातिल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए। जब गासिबा ने बाग़े फिदक का उठा सवाल, मसनद नशीन लोग सवालों में आ गए। जब गासिबा ने बागे फिदक का उठा सवाल, मसनद नशीन लोग सवालों में आ गए। जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया, कातिल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए, कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए। आइए हजरात कल से आप ख्याल रखें, 9 बजे मजलिस शुरू होगी, 9:30 बजे मौलाना मिंबर पर तशरीफ लाएंगे, उसके बाद नजर मौला का अहतमाम रहेगा। आप हजरात दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचा दें, 9 बजे पेशखानी शुरू हो जाएगी, 9:30 बजे मौलाना मिंबर पर तशरीफ लाएंगे। आइए बड़े अदब के साथ बसत खलूस गुजारिश कर रहा हूँ आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अंबर आब्दी साहब के बिलासे के मेंबर पर तशरीफ लाएं, जिसको करबला जाने की जितनी जल्दी हो उतनी बुलंद सलवात पढ़े।
आप हजरात से गुजारिश है कि वल आखिर तीन मरतबा दुरूद, एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के इन मजालिस के अहम तरीन अरकान में से एक जनाब अबुल हसन साहब मरहूम की रूह पुरफतु को साल फरमा दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد والاه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرباح العالمين لتراب مقدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني أما بعد فقد قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه صلوات پڑھ دے بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم اللہ سزا کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی قدر معزز سامعین موالیان امیر المؤمنین عزاداران سرکار سید الشہداء ایام عزائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی پہلی مجلس ہے اور چونکہ یہ مجالس اس بی بی سے منسوب ہیں کہ جس کے نام کی نسبت رکھنے والی تسبیح ہمارے مسلوں کی زینت ہے جس کی تسبیح اور جس کے بیٹے کی سجدگاہ کے صدقے میں ہماری نمازیں خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اسی بی بی کا ذکر ہے کہ جس سے منسوب تسبیح ہم آپ روز اپنی نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں لہٰذا ان مجالس کا جو یہ پہلا خمسہ ہے جس کی جسے خطاب کرنے کی سعادت اس عقیر کے حصے میں آئی ہے
उनका इन मजालिस का उनवान मारिफत तस्बीह है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आज पहली मजलिस है, इब्तदाई गुफ्तगू है, तमहीदी मराहिल हैं। मैंने आप हज़रात की खिदमत में जिस आए वाफिल हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसका ताल्लुक़ सूरे मुबारक साफ़ात से है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, देखिए मारिफत तस्बीह उनवान है। इरशाद कुदरत हो रहा है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द। ए रसूल, क्या आपने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन पर है हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। व तैरु साफात, और परिंदे सफ़े बांध कर उसकी इबादत करते हैं। कुल्लुन कद अलिम सलातुहु व तस्बीहु, कुल्लुन कद अलिम सलातुहु व तस्बीहु, उनमें से हर एक परिंदा अपनी नमाज भी जानता है और अपनी तस्बीह भी जानता है। देखिए बहुत तवज्जो चाहता हूँ मैं आप हज़रात की, अलम बात यहाँ से शुरू हो रही है कि अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द। ए रसूल, क्या आपने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन पर है हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। देखिए बात तो यहीं से शुरू होगी, क्या आपने नहीं देखा। ए रसूल, क्या आपने नहीं देखा कि जो कुछ है ज़मीन ता आसमान हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है, क्या आपने नहीं देखा। देखिए बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं कल आपके शहर में जो है वो हाज़िर हुआ, मुझसे कोई यहाँ आकर कहे कि अंबर साहब क्या आपने नहीं देखा था परसों इसी अज़ा खाने में, फ़र्ज़ कीजिए मसलन एक मजलिस हुई थी और उसमें फ़लाँ साहब ने फ़लाँ बात पढ़ी थी, तो मुझे तो ये हक़ हासिल है कि मैं पलट के कहूँ साहब मैं कैसे देखता, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, ना मैं उस जगह मौजूद था, ना मैं उस वक्त मौजूद था, उस वक्त मैं अपने शहर में था, मैं क्या जानूँ यहाँ पर कौन सी मजलिस हुई है और किसने पढ़ी और क्या बात कही है। अल्लाह रसूल से कह रहा है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन पर है हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा। और रसूल है कि पलट के नहीं कह रहे, खुदाया मैं क्या जानूं इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, मैं तो मक्के में पैदा होने वाला मदीने में ज़िंदगी गुजारने वाला, मैं क्या जानूं किस सितारे कौन सा सितारा तेरी कैसे तस्बीह कर रहा है और किस सैयारे पे तेरी कैसे इबादत हो रही है। लेकिन कुरान है जो कह रहा है अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, ये कायनात कोई मामूली नहीं है, इतनी बड़ी कायनात आज तक हम इसी बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं कि खुदावंद आलम ने जो ये कायनात बनाई है ये कितनी बड़ी है। वो नासा कहता है कि 9.6 बिलियन लाइट ईयर्स सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जिसे अभी तक ऑब्जर्व किया जा चुका है, बस फकत और फकत 9.6 बिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है, नूर की रफ्तार क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। वही नूर जब एक साल की मसाफत तय करता है तो उसे जो है वो लाइट ईयर कहा जा रहा है, 9.6 बिलियन लाइट ईयर्स, और सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर है। अनऑब्जर्वेबल कोई जानता ही नहीं है कि कितनी बड़ी कायनात है, खुदावंद आलम ने कैसी कैसी मखलूक बनाई है। लेकिन जितनी बड़ी भी हो, कुरान रसूल से कह रहा है जो कुछ भी है हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। आलम तारा, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान मजीद ने बारह इस जुमले का इस्तेमाल किया, मसला निर्शाद हुआ अलम तरा अन्नल्लाह अय्यज़ुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द व शम्स वल कमर वन नुजूम वल जबाल। ए रसूल, क्या आपने नहीं देखा जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन पर हर शय अल्लाह के आगे सजदा रेज है, और सूरज भी अल्लाह का सजदा कर रहा है, और चाँद भी अल्लाह का सजदा कर रहा है, और सितारे भी अल्लाह का सजदा कर रहे हैं। रसूल
नहीं कह रहे कि खुदाया मैं क्या जानूं कि सूरज कैसे तेरे आगे सजदा रेज है, मैं क्या जानूं कि फला सैयारा जो है वो तेरी कैसे इबादत कर रहा है। लेकिन कुरान कह रहा अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान माजी के वाकयात के लिए भी यही कहता है। मसलन इरशाद हुआ अलम तरा इल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बे, ए रसूल जिस वक्त इब्राहिम अपने परवरदिगार के मुतालिक नमरूद से मनाजरा कर रहे थे, क्या उस वक्त आपने इब्राहिम को नहीं देखा? इसी तरीके से सूरह फज्र में ऐलान हुआ अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, ए रसूल आपके इस दुनिया में आने से बज़ाहिर सैकड़ों बरस पहले आने वाली कौम आद के साथ आपके परवरदिगार ने क्या किया? अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? इसी तरीके से सूरह फील में कहता अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ए रसूल जो साल आप दुनिया में आए हैं आपकी ज़ाहिरी आमद से पहले वो जो हाथियों वाला लश्कर आया था उस हाथियों वाले लश्कर के साथ आपके परवरदिगार ने क्या किया? आलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? सिर्फ यही नहीं बल्कि आलम में तकवीन के वाकयात के लिए खुदावंदे आलम इसी तरीके से बात कर रहा है कि आलम तरा अन्नल्लाह युलुजुल लैल फिन नहार व युलुजुन नहार फिल लैल, ए रसूल क्या आपने नहीं देखा अल्लाह किस तरीके से दिन को रात में बदलता है और रात को दिन में बदलता है? मैं आयतें पढ़ता रहूं और बातें आगे बढ़ती जाएंगी, कुरान मजीद ने बात ही तमाम कर दी ये कह के अलम तरा अन्नल्लाह खलक السماوات والارض بالحق, ए रसूल क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को हक के साथ कायम किया है, हक के साथ खल्क किया है, हक के साथ खल्क किया है। आयतों पे आयतें हम पढ़ते रहेंगे और बाद बहरहाल वही रहेगी, कहां गए वो लोग जो कहते हैं रसूल हम जैसे आए? जरा जवाब तो दें, आप इस दीवार के पीछे नहीं देख सकते? अल्लाह कायनात की बात करके कह रहा आलम तरा, जर्रे से लेकर अर्श तक, सरा से लेकर सुरैया तक, शर्क से लेकर गर्ब तक और शमाल से लेकर जुनूब तक, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा? अब देखिए दो में से एक बात तो माननी पड़ेगी, या तो इन तमाम आयात का इनकार करके काफिर होना पड़ेगा और नहीं तो मानना पड़ेगा जिस वक्त इब्राहिम मनाजरा कर रहे थे रसूल देख रहे थे, कौमे आद की तबाही को भी रसूल ने देखा, असहाबे फील के अंजाम को भी रसूल देख रहे हैं, जितनी बड़ी भी कायनात हो इसमें जो सैयारा भी है रसूल की नजरों के सामने है, जो सितारा भी है रसूल देख रहे हैं, सूरज को भी रसूल देख रहे हैं और चांद को भी रसूल देख रहे हैं, आसमान से बरसने वाले पानी के एक एक कतरे को रसूल देख रहे हैं, एक एक समंदर का एक एक कतरा रसूल की नजरों के सामने है, एक एक सहरा का एक एक जर्रा रसूल की नजरों के सामने है, एक एक जंगल का एक एक पत्ता रसूल की नजरों के सामने, अल मुख्तसर जो कुछ भी कायनात में है वो कल भी रसूल देख रहे थे, आज भी रसूल देख रहे हैं और कल भी रसूल देखते रहेंगे, क्या किया जाए? ये पूरी कायनात रसूल की नजरों के सामने मानना पड़ेगा, कल भी रसूल देख रहे थे, आज भी रसूल देख रहे हैं, कयाम कयामत तक रसूल देखते रहेंगे, अब क्या किया जाए? अगर किसी दिन मस्जिद असहाब से पर हो और नबी तशरीफ फरमा हो और सामने मेरा मौला आए और नबी अली को देखकर कहें या अली अंता तरा मारा, ए अली तू भी वही देखता है जो मैं देखता, या मोहम्मद अली तू वही देखता है जो मैं देखता हूँ और वही सुनता है जो मैं सुनता हूँ। चलिए हो सकता है कोई कहे कि साहब ये रवायत तो हमारे यहाँ मौजूद है, उनके यहाँ नहीं है, कोई एतराज कर सकता है, तो आइए उनके एक हवाला बस लेते चलिए, मैं उसी आयत की तरफ पलट रहा हूँ सही सनद के साथ, जहाँ सनद पे भी बहस नहीं हो सकती, बशर्त शेखैन बुखारी और मुस्लिम की सनद के मुताबिक जो सही है, वो इमाम नसाई ने खसाई से अमीरुल मोमिनीन में सही सनद के साथ ये हदीस नकल की कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अलीयुन का नफसी, अली बिल्कुल मुझ जैसा है, मिनो अन मुझ जैसा है, हू बहू मुझ जैसा, ये लाख कहते रहे कि हम नबी जैसे, वो एक ही था जिसके लिए नबी ने कहा ये मुझ जैसा, ये मुझ जैसा,
जो मामलात जो खसाइस रसूल के हैं वैसे ही खसाइस अमीर उल मोमिनीन के। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ध, ऐ रसूल, क्या आपने नहीं देखा जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन पर, हर शे अल्लाह की तस्बीह करी। यानी मानना पड़ेगा तस्बीह एक ऐसी चीज़ है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, सरा से लेकर सुरैया तक, शर्क से लेकर गर्ब तक और शिमाल से लेकर जुनूब तक, जो कुछ भी है हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। देखिए ये बात अपने अजान आलिया में महफूज कर लीजिए। आज की मजलिस और आने वाली चार मजालिस इस बात को याद रखिएगा कि यूं तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। और मैं अभी आपकी खिदमत में बयान करूंगा, चूंकि बात इस आयत में परिंदों से शुरू हुई, हम परिंदों की तस्बीह से बात शुरू करेंगे और फिर आसमान और अहले आसमान की तस्बीह, फरिश्तों की तस्बीह क्या है और आसमान की तस्बीह क्या है और सूरत की तस्बीह क्या है और सितारों की तस्बीह क्या है और चांद की तस्बीह क्या है और ज़मीन की क्या तस्बीह है और ज़मीन वालों की क्या तस्बीह है और अंबिया की क्या तस्बीहात गुजरी हैं और अइम्मा मासूमीन की जो तस्बीहात है, रसूल की क्या तस्बीह है, अमीरुल मोमिनीन की क्या कौन सी तस्बीह है, इमाम हसन की कौन सी तस्बीह, सईद शहदा की कौन सी तस्बीह है, अगर खुदावंद आलम ने तौफीक दी और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ये तमाम तस्बीहात पेश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसका मकसद से नहीं है कि इस कायनात की सारी तस्बीहात एक तरफ, तस्बीह है फातिमा एक तरफ, ये सारी तस्बीह है अपनी जगह, सैयदा की तस्बीह अपनी जगह। अल्लाह ने किसी और तस्बीह को जिक्र कसीर नहीं कहा है। आने वाली मजालिस में इंशाअल्लाह वो बात आएगी, सिर्फ और सिर्फ सैयदा की तस्बीह है जो जिक्र कसीर है। बात इसी आयत में परिंदों से चूंकि शुरू हुई है, लिहाजा हम भी बात का आगाज परिंदों से करते हैं। इरशाद वक्तैर साफात, परिंदे जो सफ़े बांध कर अल्लाह की इबादत करते हैं, कुल्लु नकद अलम सलातुहू व तस्बीहुहू, उनमें से हर एक परिंदा अपनी नमाज भी जानता है और तस्बीह भी जानता है। वाह 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 भाई वाँ, वाँ। नहीं, आयत पर गौर कीजिए, ये परिंदों की खसूसियत है जिसे कुरान मजीद बयान कर रहा है और इंसानों के लिए बयान कर रहा है। तो कोई तो ऐसी बात होगी कि इसमें गौर करना है। गौर करो, परिंदे अपनी नमाज को भी वैसे ही जानते हैं जैसे तस्बीह को जानते हैं। उनमें से हर एक परिंदा अपनी नमाज को भी जानता है, अपनी तस्बीह को भी जानता है। परिंदे नमाज को भी वैसे ही जानते हैं जैसे तस्बीह को जानते हैं, परिंदे अपनी तस्बीह को भी वैसे ही जानते हैं जैसे नमाज को जानते हैं। अब एक बात बहुत आहिस्ता से मैं कहूँगा, इसको ब्रैकेट में सुन लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। परिंदे अपनी तस्बीह को भी वैसे ही जानते हैं जैसे नमाज को जानते हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि इधर नमाज तमाम करी, उधर एक हाथ से मसलन तस्बीह उठाए, दूसरे हाथ से फ़ोन उठाया, उधर वो फ़ोन भी स्क्रॉल हो रहा है, उधर जो है वो तस्बीह भी चल रही है कि जैसे लग रहा है कि नऊज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह अल्लाह ने नमाज की कबूलियत का कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया हो। नहीं, परिंदे अपनी तस्बीह को भी वैसे ही जानते हैं जैसे नमाज को जानते हैं। परिंदे अपनी तस्बीह को भी वैसे, सिर्फ परिंदे नहीं जानते बल्कि हमारे छठे इमाम फरमा रहे हैं, हम बनी हाशिम अपने बच्चों को तस्बीह जहरा पढ़ने का हुक्म भी वैसे ही देते हैं जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं। एक सलावात पढ़े तो मैं अर्ज करूं, और मोहम्मद वाले हर परिंदा अपनी नमाज भी जानता है और अपनी तस्बीह भी जानता। अब देखिए, नमाज तो उनवान नहीं है, तस्बीह उनवान है। तो क्या है परिंदों की तस्बीह, क्या है परिंदों की तस्बीह, कौन बताएगा कि परिंदों की तस्बीह क्या है? कुरान तो कह रहा है कि परिंदों की तस्बीह है, यानी मानना पड़ेगा कि है, लेकिन कौन बताएगा कि परिंदों की तस्बीह क्या है? वही बताएगा कि परिंदों की तस्बीह क्या है जिसके गुलाम परिंदों से बातें किया करते थे, जिसके गुलाम परिंदों से। मौला बैठे हुए हैं मस्जिद में, साथ में कंबर मौजूद हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, अचानक कुछ परिंदों का मौला के पास से गुजर हुआ। मौला ने उनकी तरफ, जो लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ देखकर कहा, जानते हो ये परिंदे क्या कह रहे हैं?
कहने लगे मौला हम तो नहीं जानते कि ये परिंदे क्या कह रहे हैं। मौला ने फरमाया ये परिंदे मुझ पर भी सलाम भेज रहे हैं, तुम पर भी सलाम भेज रहे हैं, ये मुझे भी सलाम कर रहे हैं, तुम्हें भी सलाम कर रहे हैं। अभी अमीरुल मोमिनीन ने ये बात कही ही थी कि उसी बज़्म में कुछ मुनाफिक भी बैठे हुए थे, उनके दिलों में ये ख्याल आया, याद रखिएगा उन्होंने इजहार नहीं किया, उनके दिल में ख्याल आया कि अली क्या परिंदों की जबान भी जानते हैं। बहुत तवज्जो, दिल में ख्याल आया कि अली परिंदों की जबान भी जानते हैं। जैसे ही दिल में ख्याल आया, अली ने कंबर की तरफ देखा और कंबर से कहा कंबर जाओ और जाके जरा इन परिंदों को बुला के तो लाओ। कंबर जरा इन परिंदों को, अली चाहते तो खुद भी परिंदों को बुला सकते थे, मौला चाहते, लेकिन बता रहे देखो ये मेरा गुलाम है जो परिंदों की जबान जानता है। अली ने कहा इनसे कहो तुम्हें वो बुला रहा है जो अल्लाह का बंदा है और रसूलुल्लाह का भाई है। कंबर ने परिंदों को बुलाया, देखिए कोई मामूली बात नहीं, अल्लाह ने ये परिंदों से बातचीत करना ये वो हुनर है जिसे अल्लाह ने अंबिया को मोजज़े के तौर पे अता किया था। हजरत सुलेमान के लिए कुरान ने कहा वो उल्लिमना मंतक तैर, हमने सुलेमान को परिंदों से बातचीत का हुनर सिखाया था, कुरान को परिंदों से बातचीत करने का इल्म दिया था। कल सुलेमान परिंदों से बातें करते थे, आज अली का गुलाम परिंदों से बातें कर रहा है। आज अली का गुलाम परिंदों से बातें कर रहा है। कंबर ने आवाज दी, परिंदे आए। अब सुनिएगा, सुलेमान परिंदों से बातें करते थे, परिंदों की जबान में बातें करते थे, परिंदों की जबान में बातें करते थे। इमाम वो होता है जो, इमाम की खसूसियात हमारे यहाँ बयान हुई हैं उसमें से एक सिफत ये है कि इमाम वो होता है जो हर मखलूक की जबान से वाकिफ होता है। ये बुनियादी इमाम की सिफात में से जो भी मिलता है इमाम उसकी जबान जानता है। इमाम चाहते, इमाम इमाम है, पहले इमाम है, सामने पहले इमाम है, और वो परिंदे इमाम चाहते तो खुद परिंदों से उनकी जबान में गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन मौला ने ऐसा नहीं किया। मौला ने एक इशारा किया और कहा कुल बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से गोया हो जा। परिंदे, रवायत के जुमले ये, परिंदे फसीह और बलीग अरबी में गोया हुए और पुकार के परिंदों ने कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अब जुमला सुनिएगा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनीन के अमीर आप पर सलाम, ए मोमिनीन के अमीर आप पर सलाम। अली चाहते तो परिंदों से उनकी जबान में गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन अली ने परिंदों से अपनी जबान बुलवाई। अली चाहते तो परिंदों से उनकी जबान में गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन अली ने परिंदों से अपनी जबान बुलवाई। अली चाहते थे कि जमाना समझ ले सुलेमान और है, अली और है, सुलेमान और है, अली और है, जो परिंदों की जबान सीख के परिंदों की जबान में बोले उसे सुलेमान कहते हैं, जिसका एक इशारा परिंदे को उसकी जबान बोलने पर मजबूर कर दे उसे अली जज्बा अकीदत को सलामत। नारायण के वाली मेरे मौला तेरी किस्मत, नारायण के वाली मेरे मौला तेरी किस्मत, अलहूस मुनाफिक तेरी रस ढूंढ रहे हैं, बंदे मेहनत की हदों से आगे ये मौलवी अब तक तेरी हद ढूंढ रहे हैं। अब सुनते चलिए एक और अली का ऐसे ही एक छोटा सा वाक्या, इसको सुनते चलिए। चौथे इमाम तशरीफ फरमाए वो भी अली हैं,
नाम में भी अली हैं, जात में भी अली हैं, कुनियत में भी अली हैं, लकब में भी अली हैं। साथ में अबू हमजा सोमाली बैठे हुए हैं, अबू हमजा जिनके जरिए हमें दुआ अबू हमजा सोमाली मिली, तशरीफ़ फरमाए। सामने दो परिंदे, चौथे इमाम ने अबू हमजा से कहा, अबू हमजा जानते हो ये परिंदे क्या बातें कर रहे हैं? अबू हमजा ने कहा, मौला आप बेहतर जानते हैं ये परिंदे क्या बात, आप अली के वारिस हैं, आप बेहतर जानते हैं परिंदे क्या बोली बोल रहे हैं, किस जबान में बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मौला ने कहा, ये परिंदे कह रहे हैं कि दिन में, दिन के औकात में एक वक्त ऐसा होता है जिसमें अल्लाह रोज़ी तकसीम करता है, रिस्क तकसीम करता है। फिर अगला जुमला, उसी जुमले के लिए मैंने रवायत सुनी है, सुनाई है आप, मैं देखिए हर बात दादो तहसीन के लिए नहीं पढ़ी जाती, इसे लोहे दिल पर तहरीर कीजिएगा, बहुत अहम मसला है जो इसमें हल हो रहा है। चौथे इमाम ने अबू हमजा की तरफ देखा और देख कर कहा, या अबा हमजा ला तनामन क़ब्ल तुलू शम्स फ़इन्नी अकरहु हलक इन्नल्लाह युक़स्सिमु फ़ी ज़ालिकल वक़्त अरज़ाक़ल इबाद अला अयदीना। मौला ने कहा, ए अबू हमजा देखो तुलुए आफ्ताब से पहले मत सोया करो, इसलिए कि मैं इसे तुम्हारे लिए मकरूह जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इसे तुम्हारे लिए मकरूह। क्यों? क्योंकि ये वक्त वो होता है जिसमें अल्लाह अपने बंदों में रिस्क तकसीम करता है। कहाँ से तकसीम करता है? अला एदीना, हमारे हाथों के जरिए तकसीम। अब समझ में आएगा दुआए अदीला में हजरत हुज्जत के लिए क्यों कहते बाबा युम नहीं रोजा का लवारा। वो इमाम है जिनके हाथों के जरिए अल्लाह रिस्क तकसीम करता है, इमाम है जिनके हाथों के जरिए अल्लाह रिस्क तकसीम करता है। इसीलिए खुदाए सुखन के घराने के मिस्र अमीर अनीस अल्लाह मकामा के छोटे भाई अमीरों, उनके मरसिए का मतलब ही यही है, वो एक बंद सुन लीजिए। इसी बात पर उन्होंने कहा था कि खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताज अली है, खुर्शीद फलक अक्से, अहले ज़बान तशरीफ़ फरमाए, क़िबला तशरीफ़ फरमाए, खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताज अली है, कुर्सी से फुजू पाया मेराज अली है। मरियम से बीबी के मल्ले से हो रही है, मरियम से सेवा रुतबे अजवाज अली है, और खालिक के सेवा जो है वो मोहताज अली। सुनिए, खालिक के सिवा है अब हमजा, अल्लाह हमारे हाथों के जरिए रिज्क बांटता है, खालिक के सिवा जो है वो मोहताज अली। अरे ये कासिम रिज़्क़े मलको जिन्नो बशर है, अल्लाह के हाथों के सभी दस्त नगर। एक सलावत, एक सलावत पढ़ने आप हजरात, मोहम्मद वालम मौला सलामत रखें। हैदरी यार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो परिंदों की तस्वीर तो वही बताएगा कि जिसका गुलाम परिंदों से बातें करता था। तो बताया है अमीरुल मोमिनीन ने परिंदों की तस्वीर बताई है कि परिंदे कैसे तस्वीर करते हैं, किस तरीके से तस्वीर करते हैं। मौला की एक हदीस है, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, उस हदीस को हदीस तारिक कहते हैं। मौला के एक सहाबी थे तारिक इब्न शहाब, उनसे अमीरुल मोमिनीन ने इमाम की डेफिनेशन पर गुफ्तगू की है, इमाम की तारीफ पर बात की है कि इमाम होता कौन है। बात ये तो शुरू होती है अलिमाम कलिमत अल्लाह, इमाम अल्लाह का कलिमा होता है। इमाम ने इमाम की तारीफ बयान की है, फिर सुनिए, इमाम ने इमाम की तारीफ बयान की है, डेफिनेशन बयान की है। ये भी बड़ा अलमिया है कि हम जब इमामत की डेफिनेशन बयान करने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम जब इमामत की डेफिनेशन बयान करने पर आते हैं तो हम अपने दिमागी तखय्युलात, अपने दिमागी ज़ाती निकात और तखय्युलात इमामत की तारीफ में बयान करते हैं। क्या हमारे पास इमामों की बयान की हुई इमामत की तारीफें मौजूद नहीं हैं? जवाब है कि हाँ मौजूद है, इमाम रज़ा का पूरा खुतबा मौजूद है इमामत के मौजू पर। अमीरुल मोमिनीन की हदीस तारिक ये इमामत की डेफिनेशन ही पे बात हो रही है, मौजूद है।
देखिए एक बात सुन लीजिए कि अगर सच्चे इमामों की बयान की हुई सच्ची इमामत की सच्ची तारीफ आम कर दी जाती तो कभी ये दुनिया झूठे इमाम ना बना पाती। अब सुनिए बहुत तवज्जो के साथ सुनिए हदीस तारिख, उसी में अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि परिंदों की तस्बीह क्या होती है। हदीस तारिख के मुख्तलिफ अज्जा आखिरी जुज आखिरी हिस्सा मैं वो पढ़ता हूँ, पूरी हदीस तारिख तो नहीं पढ़ सकता उसमें बहुत वक्त लग जाएगा और फिर बात सिर्फ हदीस तारिख ही पर होने लगेगी। जो आखिरी हिस्सा है वो पढ़ता हूँ, उसी में मौला ने बताया है कि परिंदों की तस्बीह क्या है। इमाम कहते किसे हैं, इमाम होता कौन है? मौला फरमाते हुमुल कवाकिबुल उलविया वल अनवार वल अलविया वल मुशरिकत मिन अश-शम्स अल इस्मत अल फातिमिया अल समाअ अल अज़मत अल अहमदिया वल अग़सान अन नबविया वल असरार अल इलाहिया अल मुदअत फिल हयाकिल अल बशरिया वल ज़ुर्रियत अल हाशमिया वल इत्रत अल ज़किया उलाइका हुम अल खैर अल बरिया व हुम अल अइमत अल हादियून वल खुलफा अर राशिदून वल औसिया अल मर्दियून वल असबात अल मर्दियून वल औसिया अल मुंतखबून वल खुलफा الراشدون والغر الميامين من آل طه وياسين وحجج الله على الخلق اجمعين من الاولين والاخرين اسمهم مكتوب على الاحجار وعلى الاوراق الاشجار وعلى الابواب الجنه والنار وعلى العرش والافلاك وعلى العرش والافلاك وعلى الاجنحه الاملاك وعلى الاجنحه الاطيار وعلى الحجوب الجلال وعلى سرادقات العز والجلال وباسمهم تسبح الاطيار وتستغفر لشيئتهم الحيطان في لجج البحار ان الله لم يخلق احدا الا واخذ عليه الاقرار بالوحدانيه والولايه للذريه الزكيه والبراءه من اعداء اجمعين ان العرش لم يستقر حتى كتب عليه بالنور لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله يا इमाम बता रहे हैं इमाम किसे कहते हैं। बहुत तवज्जो, मौला फरमाते हुमुल कवाकिबुल उलविया, ये बुलंद सितारे हैं। इमाम बुलंद सितारा होता है। वल अनवारुल अलविया, इमाम अलवियत के नूर हैं, अलवियत के अनवार हैं। वल मुशरिकतु मिन अश-शम्सिल इस्मतिल फातिमिया, शहजादी की मजलिसें हो रही हैं। आज पहले दिन आप ये जुमला सुन रहे हैं, 18वें दिन तक ये जुमला याद रखिएगा, अलग इसका एक सुरूर तारी हो जाएगा। इमाम कहते किसे हैं, किसे? पहले तो ये बात हो, किसे पता है कि फातिमा क्या है? कौन जानता है कि सैयदा क्या है? वमा दरा कमा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि शबे कद्र क्या है? किसे पता है कि सैयदा क्या है? कौन इरफान सैयदा रखता है? इमाम किसे कहते हैं, इमाम कौन होता है? पहले इमाम बता रहे हैं, इमाम किसे कहते हैं? मौला फरमाता अल मुशरिकत मिन अश-शम्स इस्मतिल फातिमिया, फातिमी इस्मत के सूरज से निकलने वाली शुआ ही को तो इमाम कहते हैं। फातिमी इस्मत, इस्मत फातिमी के सूरत से निकलने वाली शुआओं ही को तो इमाम कहते हैं। ये इस्मत फातिमी का सूरज कहाँ चमकता है? मौला फरमाते अल समाइल अज़मत अहमदिया, अजमत अहमदियत के आसमान पर फातिमियत के इस्मत का सूरज जलवा फिगन रहता है। वल अग़सान उन नबविया, इमाम क्या होता है? नबुवत की शाख होता है। और क्या होता है? मौला फरमाते हैं वल असरार अल इलाहिया अल मुदअत फिल हया किल अल बशरिया, मौला बता रहे हैं, पहले इमाम बता रहे हैं, देखो अगर इमाम तुम में आ जाए, तुम्हारी तरह जमीन पे बज़ाहिर चले फिरे, नमाज पढ़े, रोजा रख ले, तो खबरदार खुद को इमाम की तरह मत समझ लेना, इमाम को अपनी तरह मत जान लेना। नहीं, इमाम तुम जैसा नहीं है। इमाम क्या होता है, जुमला अगर पहुंच जाए तो मुझे एहसास करा दीजिएगा। पहले इमाम का जुमला है, अली का जुमला है और अली वालों की खिदमत में नजर कर रहा हूँ। इमाम कहते किसे? मौला फरमाते असरारुल इलाहिया अल मुदअत फिल हयाकिल अल बशरिया, इमाम अल्लाह का वो राज होता है जिसे उसने इंसानी पैकर में जमीन पर भेजा।
اللہ کے اسرار ہوتے ہیں، امام کے راز ہوتے ہیں جو بشری بیگر میں آئے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ والذریت الزکیہ پاک ذریت ہوتے ہیں، والعترۃ الہاشمیہ ہاشمی طرح سے ہوتے ہیں، اولئک هم الخیر البریہ یہی سب سے بہتر مخلوق ہیں، پوری ساری کائنات میں سب سے بہتر ہیں، امام قرآن مجید کی تفسیر بھی فرما رہے ہیں۔ کون ہوتا ہے امام؟ سنیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ابھی اس کا حصہ حذف کر رہا ہوں۔ امام کون ہو؟ کیونکہ وقت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اس حصے پر آ رہا ہوں جہاں پہ مولا نے تسبیح بتائی ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، اسمہم مکتوب علی الاحجار وعلی الاوراق الاشجار وعلی الابواب الجنۃ والنار۔ امام وہ ہوتا ہے جس کا نام پتھروں پہ لکھا ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کا نام درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوتا ہے، وَعَلَى الْعَرْشِ وَالْأَفْلَاكِ امام وہ ہوتا ہے جس کا نام عرش پہ لکھا ہوتا ہے اور افلاک پہ لکھا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَى الْأَجْنِحَةِ الْأَمْلَاكِ امام وہ ہوتا ہے جس کا نام فرشتوں کے پروں پہ لکھا ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کا نام فرشتوں کے پروں پہ لکھا ہوتا ہے، امام پھر سنیے، امام وہ ہوتا ہے جس کا نام فرشتوں کے پروں پہ لکھا ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کا نام فرشتوں کے پروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی کسی فرشتے کے بالوں پر چھن جاتے ہیں تو امام ہی کے در سے واپس ملتے ہیں، امام ہی کے در سے۔ اب میں نہیں جانتا کس فرشتے کے پر پہ کس امام کا نام لکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ کس فرشتے کے پر پہ کس امام کا نام لکھا ہے، لیکن ہاں ایک فرشتہ ایسا جانتا ہوں کہ معلوم ہے اس کے پر پہ کس امام کا نام لکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے، ہمارے یہاں سے حاصل لکھنوی صاحب کے مصرے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ الطاف جلی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں فیض ولی لکھا ہے۔ ہم نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر ہاذا من فضل حسین ابن علی، ایک صلوات پڑھ دیں حضرات بر محمد و آل محمد، امام وہ ہوتا ہے۔ اللہ جملہ سنیے، امام صرف فرشتوں کے پروں پہ نام نہیں لکھا ہوتا، نہیں، مولا فرما علی الاجنحۃ الاطیار، امام وہ ہوتا ہے جس کا نام پرندوں کے پروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، ابھی آگے آئے گا، جس کا نام پرندوں کے پروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور کہاں لکھا ہوتا ہے؟ اب جملہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، مولا فرماتے ہیں وعلی الحجوب الجلال، امام وہ ہوتا ہے جس کا نام جلال الہی کے پردوں پہ لکھا ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کا نام جلال الہی کے حجابات پہ لکھا ہوتا ہے، پردوں پہ لکھا۔ آپ دیکھیں حجابات، نوری حجابات کی تین قسمیں، اس وقت بس اتنا سن لیجئے، تفصیل کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے، حجاب جس کی جمع ہے حجوب، پھر ہے ستر، پھر ایک ایسا ہی ہے سرادقات۔ تو امام کا نام اور کہاں لکھا ہوتا ہے؟ صرف جلال الہی کے پردوں پہ نہیں لکھا ہوتا، نہیں، مولا فرماتے والا سرادقات العز والجمال، عزت خدا اور جمال الہی کے سرادقات پر بھی امام کا نام لکھا ہوتا ہے، امام کا نام۔ اب وہ سارا کہ مولا بتا رہے ہیں پرندوں کی تسبیح کیا ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں وَبِاسْمِهِمْ تُصَبِّحُ الْأَطْيَارُ وَتَسْتَغْفِرُ لَشِيعَتِهِمُ الْحِيتَانُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ، امام وہ ہوتا ہے جس کے نام کی تسبیح اڑنے والے پرندے پڑھا کرتے ہیں۔ بیدار ہو جائیے، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، ابھی تک جو آپ یا علی یا علی یا علی کہہ رہے تھے، اس کا یہ اثر بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ امام وہ ہوتا ہے، پہلے امام بتا رہے، امام وہ ہوتا ہے جس کا نام، جس کے نام کی تسبیح پرندے پڑھا کرتے ہیں، امام وہ ہوتا ہے جس کے نام کی تسبیح پرندے پڑھا کرتے ہیں۔ ارے کیا کہنے نام علی کے، کیا کہنے اس نام کے، کیا کہنے نام علی کے، یہ نام اگر پرندہ لے لے تو آسمان دنیا میں پرواز کرنے لگتا ہے، اگر مومن لے لے تو آسمان معرفت میں پرواز۔ حیدر 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 حیدر
होता है जिसके नाम की तस्वीर उड़ने वाले परिंदे पढ़ा करते हैं। बस इतनी सी बात है, नहीं। मौला आगे बढ़ के कहते हैं वह तस्त, आपके लिए भी कहा है, वह तस्तगफरो लशी आते हैं मोले हीतान फिलोजा जल बिहार। इमाम वो होता है जिसके शियों के लिए समंदरों की मछलियां इस्तगफार करती हैं। इमाम वो होता है जिसके शियों के लिए समंदरों की मछलियां इस्तगफार के करती हैं। मौला फरमाते हैं इन्नल अर्शा लम यस्तकिरु हत्ता कुतिबा अलैहि बिन्नूर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। इसी पर यह हदीस तारिक तमाम हो रही है। मौला फरमाते हैं और अर्श को करार नहीं आया, अर्श इलाही को, अर्श खुदा को सुकून नहीं आया, चैन नहीं आया, अर्श को करार नहीं आया जब तलक उस पर कलम नूर से नहीं लिख दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। जब तक अर्श को करार नहीं आया, अर्श को करार नहीं आया, अर्श खुदा को, जब तलक उस पर कलम नूर से नहीं लिख दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह से लेकर अलीयुन वलीयुल्लाह तक पूरा कलमा अर्श पे लिखा गया, तब जाकर अर्श को करार आया। अर्श होता क्या है, अभी आगे चल के और इसकी तफसीलात आएंगी। अहदीस अहले बैत में मुख्तलिफ ताबीरात वारिद हुई अर्श की। कहीं अर्श को इल्म खुदा कहा गया, कहीं अर्श को कुछ कहा गया, कहीं अर्श को कुछ। अब लेकिन एक ऐसी ताबीर है जो मुत्तफिक अल फरीक़ैन आम्मा खासा दोनों की रवायत हुई है, वो क्या है, मासूम फरमाते हैं कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान। मोमिन का कल्ब, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। अब बात समझ में आ रही है, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। मोमिन का दिल, अगर बात पहुंचे तो मुझे एहसास कराइएगा, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। मौला फरमा रहे अर्श को करार नहीं आया जब तलक उस पर कलम नूर से नहीं लिख दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वली। बहुत को करार नहीं आया जब तलक उस पर नहीं लिख दिया गया कलम नूर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह कि मोमिन के दिल को भी करार नहीं आता जब तलक वो जिक्र अली वलीउल्लाह नहीं सुन लेता। अजीजान गिरामी कद्र, बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, मौला फरमाए हैदरिया के, मौला फरमा रहे हैं परिंदे के पर पे भी इमाम का नाम लिखा होता है, परिंदे की तस्बीह भी इमाम के नाम से होती है। अब बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, देखिए बस, अब बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं है कि मैं सारे परिंदों की तस्बीहात फर्दन फर्दन जो अहदीस में वारिद हुई आपको सुनाऊँ, तो बहुत वक्त लग जाएगा। वरना अहदीस में बताया गया कबूतर की तस्बीह क्या है, मुर्ग की तस्बीह क्या है, बतख की तस्बीह क्या है, सब बताया गया। हवाले दे दें आगा मेहदी लखनवी साहब और उनकी किताब है तज़किरतुल हैवान, उसमें आपको ये सारी तस्बीहात मिल जाएंगी। अल्लामा मलिसी की बड़ी मशहूर मारूफ किताब है हिलियतुल मुत्तकीन, उर्दू में तर्जमा हो चुका है, बहुत मशहूर किताब है, तहजीबुल इस्लाम के नाम से उर्दू में तर्जमा हुआ है, उसमें आखिरी में आपको वो तस्बीहात मिल जाएंगी जहाँ बताई गई है। मैं सब तो नहीं पढ़ सकता, पर इसके दो जुमले, परिंदों के पर पर भी नाम लिखा होता है, तस्बीह भी इमाम के नाम की होती है, दो परिंदों के हाल सुन लीजिए
और ये दो परिंदे भी कोई मामूली नहीं है, क्यों मुंतखब किया है वो भी आपको बताता हूँ। एक परिंदा इनमें से वो है जिसका जिक्र कुरान सामित में मौजूद है, और एक परिंदा इनमें से वो है जिसके नाम पर कुरान नातिक ने अपने गुलाम का नाम रखा है। और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि दोनों परिंदों के सर पे ताज है। ये जो दो परिंदे, पहला परिंदा वो है जिसका जिक्र कुरान सामित में मौजूद है, कुरान ने उसका, अब कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं, याद रखिएगा, बारहा मैं कहता हूँ कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ हिस्ट्री, कुरान तारीख की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। कुरान अगर कोई वाकया बयान कर रहा है तो उसमें हिदायत छिपी हुई है, जब ही तो बयान कर रहा है। वो परिंदा कितना अहम होगा जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया, जिसके जिक्र को, जिसके तज़किरे को कुरान दामन कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने जगह दिया। आप समझ गए वो कौन सा परिंदा, छोटा सा है लेकिन सर पे ताज है और अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र किया। वो कौन सा परिंदा है? हुदहुद। अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र किया, किस तरीके से जिक्र किया? सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे, सर पे परिंदों का गौल होता था जो साया फिगन रहता था, देखा एक परिंदा गायब है तो छोटा सा परिंदा लेकिन इसके कॉन्फिडेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी हुकूमत है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, मगर फिर भी वो परिंदा गया। और मतलब आप वो सारी तफसीलात आप जानते हैं, वो कहाँ गया, उसने आगे कौन सी दास्तान सुनाई, वो सब आप जानते हैं, लेकिन सवाल तो ये कि उस परिंदे को ऐसा कौन सा इत्मीनान था कि वो परिंदा चला गया और वापस आ गया, बखैरियत आफियत गया, बखैरियत आफियत लौटा। जब वो परिंदा गायब हुआ तो कुरान मजीद कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गायबीन, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वो गायब हो जाने वालों में से? फिर अगली आयत में कहता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अगर हुदहुद नहीं आए तो क्या होगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं ला उद्दबन नहु अदाबन शदीदन। तीन ऑप्शन दिए हुदहुद के लिए हजरत सुलेमान ने। पहला ऑप्शन हुदहुद के लिए कि ला उद्दबन नहु अदाबन शदीदन, या तो मैं हुदहुद को अजाब दूंगा और अजाब भी अजाब शदीद दूंगा, और क्या कर सकता हूँ, अवला अजबहन ना हूँ, या तो मैं हुदहुद को ज़बा कर दूंगा, अवला याती अन्नी बिसुल्तान मुबीन। तीसरा ऑप्शन हुदहुद के लिए ये है कि या तो मैं उसे अजाब दूंगा और अजाब भी अजाब शदीद दूंगा, या तो मैं उसे ज़बा कर दूंगा, नहीं तो तीसरा ऑप्शन हुदहुद के पास ये है कि वो मेरे पास सुल्तान मुबीन को लेकर आए। अब मैंने यहाँ सुल्तान मुबीन का तर्जमा सुल्तान मुबीन ही किया है, खुली हुई दलील नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुरान ही बता रहा है कि सुल्तान क्या है। सूरह मुबारक बनी इसराइल में हमारे नबी की दुआ मौजूद है कि हमारे नबी ने कहा था रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क वअखरिजनी मुखरजा सिद्क वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से एक ताकतवर मददगार अता कर, ऐसा सुल्तान दे जो मददगार हो, ऐसा सुल्तान दे जो मददगार हो, ऐसा सुल्तान दे जो मददगार हो। कहां गए या अली मदद के मुकाबले पे या अल्लाह मदद का नारा लगाने वाले? कुरान की इस आयत को गौर से पढ़े, इस आयत में नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी है, मददगार मांगा। या तो वो मेरे पास हजरत सुलेमान अच्छा देखिए कुरान मजीद ने इमाम के लिए लफ्ज सुल्तान भी इस्तेमाल किया और लफ्ज मुबीन भी इस्तेमाल किया, हसैन फी इमाम मुबीन, हर शय का ऐसा इमाम मुबीन में कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों लफ्जों को जमा कर दिया, तो वो मेरे पास सुल्तान मुबीन को लेकर आए। क्या था ऐसा हुदहुद में, क्या ऐसी खासियत थी हुदहुद में जिसका जिक्र खुसूसियत से कुरान कर रहा है? और उस मैंने अर्ज किया कि उस कॉन्फिडेंस की बिदात की, इतनी इतना बड़ी हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, और हजरत सुलेमान ने जो कहा है वो भी कोई मामूली शान, अजाब दूंगा और अजाब भी अजाब शदीद दूंगा, या तो ज़बा कर दूंगा या सुल्तान मुबीन को लेता यार। क्या था ऐसा उस हुदहुद में? देखिए अहले ज़मान तशरीफ़ फरमाए, अगर बात पहुँचेगी तो महज़ूज़ होंगे। हुदहुद में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे? जवाब मिलेगा। देखिए पता नहीं ये मसल क्यों मशहूर हो गई सुरखाब के पर,
नहीं तो हकीकत तो ये है कि जो बात हुदहुद के परों में है वो तो सुरखाब के परों में भी नहीं है। और ऐसी क्या बात है हुदहुद के परों में, तो मशहूर मारूफ हदीस है, उसूल काफ़ी से लेकर किताब अलवाफ़ी तक, हत्ता कि उससे पहले अल महासिन में कितनी ही किताबों में इस मफहूम पर अहदीस मौजूद हैं कि मासूम ने हुदहुद के लिए फरमाया कि मा मिन हुदहुदिन इल्ला वाफी जनाहिही मक्तूबुन बिस्सरियानिया आल मुहम्मदिन खैरुल बरिया। मासूम फरमाते हैं ऐसा कोई हुदहुद नहीं है मगर यह कि उसके पर पे सरियानी जबान में लिखा हुआ है आले मोहम्मद सबसे बेहतर है। अब जुमला सुनिएगा, आजादार बैठे हुए आखिरी आदमी तक, अगर बात पहुंचेगी तो मुझे एहसास कराइएगा। कोई ऐसा हुदहुद नहीं है मगर यह कि उसके पर पे सरियानी जबान में लिखा हुआ आले मोहम्मद खैरुल बरिया, आले मोहम्मद सबसे बेहतर है, आले मोहम्मद सारी दुनिया में सबसे बेहतर है, सारी मखलूक में सबसे बेहतर है, आले मोहम्मद खैरुल बरिया। अब समझ में आया हुदहुद बखैरियत तो आफियत चला क्यों गया, बखैरियत तो आफियत वापस क्यों आ गया, यह हुदहुद को यह कौन सी चीज कॉन्फिडेंस दे रही थी जो हुदहुद खैरियत से गया और खैरियत से वापस आ गया। हुदहुद के पर पे है आलो मोहम्मद खैरुल बरिया, आलो मोहम्मद खैरुल बरिया। मैं कहता हूं हुदहुद के पर पे ये आलो मोहम्मद खैरुल बरिया नहीं लिखा हुआ, ये हुदहुद के पर पे मद है आले मोहम्मद का इमाम जामे ने बता मद है। एक सलावात पढ़ दें आप हजरात पर मोहम्मद अल्लाह ने मद है आले मोहम्मद का इमाम जामिन हुदहुद के बाजू में बांधा हुआ, हुदहुद को यह शरफ मिला सर पे ताज है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसीलिए मौला फरमा रहे यूं तो तमाम परिंदों पर के बाजुओं पर लिखा हुआ लेकिन हुदहुद के बात ही अलग है कि मासूम खसूसियत के साथ कह रहे हैं सिरियानी जबान में हुदहुद के परों पर लिखा हुआ आलो मोहम्मद खैरुल बरिया। अभी एक तो हुदहुद है और दूसरा परिंदा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जिसका जिक्र भी मौजूद है और इस तरीके से मौजूद है कि हुदहुद वो है जिसका जिक्र कुरान सामित ने किया। जो अगला परिंदा मैं बताने जा रहा हूँ ये वो है जिसके नाम पे कुरान नातिक ने अपने ग़ुलाम का नाम रखा, और वो परिंदा कौन सा है, उसका नाम है, उस अरबी में कहता कुम्बरा। मौला ने इसी परिंदे के नाम पे अपने गुलाम का नाम कंबर रखा था, मौला ने इसी कुंबरा के नाम पर अपने गुलाम का नाम कंबर रखा था। कंबर का नाम हमेशा से कंबर नहीं था, देखिए उनका जिक्र आ रहा है मौलाना आगा मेहदी लखनवी साहब मरहूम का इत्तेफाक है, फिर से जिक्र आ रहा है उनकी, इस पर भी एक किताब है सवान हयात हज़रत कंबर, उसमें वो पूरी तफसील मौजूद है। कंबर का नाम पहले फत्ताह था, अली के गुलामी में आए, अली ने कंबर का नाम रख दिया परिंदे के नाम पर, उस कुंबरा के नाम पर मौला ने कंबर का नाम कंबर रख दिया। अली ने अपने गुलाम का नाम परिंदे के नाम पर रखा, अली ने अपने गुलाम का नाम परिंदे के नाम पर रखा। दुनिया तो समझती है कि गुलाम असीर होता है, अगर बात पहुंचे, दुनिया समझती है गुलाम असीर होता है, अली अपने गुलाम का नाम परिंदे के नाम पे रख रहे हैं। परिंदा जब परवाज करता है तो किसी की गिरफ्त में नहीं होता, वो हमेशा आज़ाद होता है, वो हमेशा आज़ाद होता है, वो हमेशा आज़ाद होता है। अली कंबर से लेकर हुर तक यही सिलसिला आपको दिखाई देगा, अली अपने गुलाम का नाम परिंदे के नाम पे रख के बता रहे देख लो अगर कोई आसमान मारिफत पे परवाज करता हुआ मुझ अली के कदमों तक आ जाता है, मेरी गुलामी का ताज अपने सर पे पहन लेता है तो फिर वो इस दुनिया में भी आज़ाद रहता है आखिरत में भी आज़ाद अली कुंबरा के नाम पे कंबर का नाम रख रहे हैं। वो परिंदा कितना बाज़मत परिंदा होगा जिसके नाम पर अली अपने गुलाम का नाम रख रहे हैं, वो परिंदा कितना बाज़मत परिंदा होगा। अब सुनिएगा, सारे परिंदों की तस्बीहात छोड़ दी, इस परिंदे की सुनिए,
یہ قمبرا، یہ کون سا، یہ بھی بہت مختصر بظاہر بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اس کی بھی عجیب شان ہے، اس کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے، اور اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں لارک، لارک۔ اس کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے، انگریزی میں مثل مشہور ہے، اگر کسی کی آواز اچھی ہوتی تو کہتے ہیں سنگنگ لائک اے لارک، اس کی آواز لارک جیسی ہے، قمبرا جیسی ہے۔ یہ عموماً طلوع فجر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے اپنی تسبیح شروع کرتا ہے، وہ پیاری پیاری آواز، کہ جس آواز کے لیے مثل موجود ہے کہ اتنی مشہور آواز ہے قمبرا کی، لارک کی، اس پیاری آواز میں پڑھتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، اس کی تسبیح سنی ہے۔ معصوم نے جو بتایا قمبرا کی تسبیح کیا ہے، بہت توجہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، قمبرا کی تسبیح کیا ہے، کیا ہے وہ اتنی پیاری پیاری آواز میں جو پڑھتا اپنی تسبیح تقریباً طلوع آفتاب سے 1.5 گھنٹہ پہلے شروع کرتا ہے، تو پڑھتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، قمبرا کی تسبیح کیا ہوتی ہے، کیا کہتا ہے۔ بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آپ حوالہ چاہیں تو حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کچھ یہودی آئے تھے، رسول خدا سے مختلف جانوروں کی تسبیحات پوچھی تھی، انہوں نے پوچھا تھا قمبرا کی تسبیح کیا ہوتی ہے، اس وقت رسول نے بتایا کہ قمبرا کی تسبیح کیا ہوتی ہے، وہ اتنی پیاری آواز میں پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے، اس کی تسبیح کیا ہوتی ہے، رسول فرماتا قمبرا کہتا ہے لعن اللہ من یبغض آل محمد، لعن اللہ من یبغض آل محمد، جو بھی اتنی پیاری پیاری آواز میں وہ کہتا ہے اور روز صبح کہتا ہے، جس کے دل میں بھی آل محمد کے متعلق ذرہ برابر بھی بغض پایا جاتا، خدایا ایسے شخص پر تو لعنت فرما، خدا ایسے شخص پہ لعنت کر جس کے دل میں آل محمد کا بغض پایا جاتا ہے، ایسے شخص پہ لعنت کر جس کے دل میں آل محمد کا بغض پایا جاتا ہے، ایسے شخص پہ لعنت کر جس کے دل میں آل محمد کا ذرہ برابر بھی بغض پایا جاتا ہے۔ یہ جس پرندے کی تسبیح ہے، علی اس پرندے کے نام پر اپنے غلام کا نام رکھ رہے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آمادہ ہو جائیے، علی اس پرندے کے نام پر اپنے غلام کا نام رکھ رہے ہیں، اپنے غلام کا، غلام کا، غلام کا علی بتا رہے ہیں۔ علی کا غلام ہوتا کون ہے؟ دعوے تو سب کرتے ہیں مگر غلام علی بننے کی منیمم کوالیفیکیشن کیا ہے؟ علی قمبرا کے نام پہ قمبر کا نام رکھ کے بتا رہے ہیں، علی کا غلام بننے کی منیمم کوالیفیکیشن ہی کو تو تبرا کہتا ہے۔ قمبرا کے نام پہ اپنے غلام کا نام رکھ رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ دو پرندے، ان دونوں کی عجیب خصوصیت ہے۔ واہ بھائی واہ،
एक हुदहुद है, एक कुंबरा है, उसका जिक्र कुरान सामित में मौजूद है। इसके नाम पर कुरान नातिक अपने गुलाम का नाम रख रहा है। वो भी मोहतरम है, ये भी मोहतरम है, वो भी साहिब इकराम है, ये भी साहिब तकरीम है। उसका एहतराम भी ज़रूरी है, इसका एहतराम भी ज़रूरी है। उसके सर पे भी ताज है, इसके सर पे भी ताज है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसके सर पे तवल्ले का ताज है, इसके सर पे तवर्रे का ताज। और जिस जिस की तस्वीर तबर्रा है उसको इमामों ने पसंद किया। यही वजह है कि मौला ने कबूतर पालने का हुक्म दिया है कि तुम अपने घरों में पालना है तो कबूतर पालो। कामिल ज़ियारात में रवायत है भाई, ख़ास किस्म के कबूतरों के लिए कि ये कातिलान हुसैन पे लानत करते हैं, इसलिए इनकी तस्बीह यही है। तो कबूतर के लिए तो बिलखसूस फरमाए कि ये वो परिंदा जो सबसे ज़्यादा तस्बीह करता है और जो सबसे ज़्यादा जिक्र खुदा करता है। बहरहाल बहुत सारी तस्बीहात हैं जो आपकी खिदमत में। हमने तो ये भी सोचा था कि हम कंबर की भी तस्बीह सुनाएंगे, अब कुंबरा तक आ जाएगी बात तो फिर कंबर की तस्बीह भी सुनाएंगे, लेकिन अब दामन वक्त में एकदम गुंजाइश नहीं बची। और जो है वो बात जो है वो एक सलावत पढ़ने आप जरा मोहम्मद वाला, हम तो घड़ी भी नहीं लगाए हैं लेकिन जो है वो हम घड़ी देख रहे हैं। और जो है दामन वक्त में एकदम गुंजाइश नहीं बची, इंशाल्लाह अभी तो चार मंजिल हैं और आपकी खिदमत में वो बातें पेश की जाएंगी। अब आसमान से ही बात शुरू हुई है तो आसमान पर ही बात होती रहेगी। कल इंशाअल्लाह फरिश्तों की तस्बीह, आसमान की तस्बीह, अहले आसमान की तस्बीह और जो उनकी तस्बीहात आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये परिंदे और परिंदे अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, सफ़े बांध कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तस्बीह कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है। तस्बीह इतनी अहम इबादत है कि खुदा खुद भी तस्बीह करता। कल बात शुरू होगी यहीं से कि खुदा खुद भी, जब आसमान की बात आएगी तो खुदा ने खुद भी अपनी तस्बीह की। लेकिन फिर भी कहूँगा कि जो बात तस्बीह है सैयदा में, वो बात किसी और तस्बीह में नहीं है। लेकिन इसी का तो रोना है कि तस्बीह जिस बीबी से मंसूब थी, बाद रसूल उसका ये हाल हुआ कि वो तस्बीह पढ़ने के लिए भी अपना हाथ नहीं उठा पाया। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए, आपकी आवाज़ बुलंद हो। अय्याम अज़ाए जनाब सैयदा का आगाज़ है, हज़रत हुज्जत यही हमारी दुआ है कि वह आप सबके गिरिए को कबूल फरमाएँ, हमारे पढ़ने को, आपके सुनने को, आपके गिरिए को कबूल फरमाएँ। वही बीबी तस्बीह पढ़ने के लिए हाथ नहीं उठा पाई। खुदा जाने कैसा ताजियाना मारा था कुनफुज में, इस मौजू पे मैं ये जुमला मैं बारहा कहूंगा, कैसा ताजियाना मारा था कि रसूल की बेटी तस्बीह पढ़ने के लिए हाथ नहीं उठा पा रही। क्या हो गया रसूल के बाद रसूल की बेटी के साथ? 18 बरस का सिन है, बालों में सफेदी है, कमर में खम है, रसूल की बेटी है जो असा का सहारा लेके चल रही है। देखिए बात तो रसूल के मसाइब ही से शुरू होगी। सैयदा के मसाइब का आगाज तो शहादत रसूल खुदा ही से होता है। जमाना अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि अय्याम अज़ाए जनाब सैयदा की मजलिसें आहिस्ता आहिस्ता जनाब सैयदा के कातिलों को बेनकाब कर रही हैं और इंशाअल्लाह बेनकाब होते रहेंगे जनाब ज़हरा के कातिल। लेकिन पहले तो हमें इस सवाल का, रसूल की बेटी का कातिल कौन है, ये सवाल तो हम पूछ ही रहे हैं। लेकिन पहले ज़माना में बताए रसूल का कातिल कौन है? हदीस लुद का जवाब कौन देगा? किसने रसूल को वो दवा पिलाई जिसके लिए रसूल मना कर रहे थे? किसने मेरी शहजादी को यतीम किया और ऐसा यतीम किया, ऐसा यतीम किया कि रसूल के बाद सैयदा इस तरीके से रो रही? अब आप कितना रोएंगे और कितना गिरिया करेंगे? छठे इमाम ने तारीख इंसानियत के 5 सबसे ज्यादा रोने वालों का जिक्र किया, उसी में से एक हमारी शहजादी हैं जो बाद रसूल इस तरीके से रो रही हैं कि जिसकी उनसे पहले मसील और नज़ीर नहीं मिलती।
अजीब हाल है सैयदा का। किताबें पढ़िए, फिराक रसूल में हाल यह है कि सैयदा के सर पे एक सियाह पट्टी बंधी हुई है। घर में जिस तरफ नजर जाती है जहरा को उनका बाबा याद आता है। कभी अली को आती हुई देखती है तो रसूल याद आते हैं, कभी हसनैन को देखती है तो रोकर कहती है मेरे बच्चों तुम्हारा वो नाना कहाँ गया जो तुम्हारे लिए नाका बनता था तो तुम्हें अपने कांधे पर बिठाता था। हसन को देख के रसूल को रोती है, हुसैन को देख के रसूल को। मुसलसल इस तरीके से सैयदा गिरिया कर रही है कि मदीने वाले आकर अमीरुल मोमिनीन से कहते हैं अबुल हसन जनाब सैयदा के दुख्तर रसूल के गिरिए से हमारे कामों में खलल पड़ रहा है। उनसे कहती थी या दिन में रोएं या रात में रोएं। मौला ने आगे कहा बीबी मदीने वाले आए थे कह रहे थे या दिन में रोएं या रात में रोएं। बीबी ने कहा अबुल हसन उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए, अब मैं उनके दरमियान ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हूं। अब फातिमा ज्यादा दिन नहीं उनके दरमियान। मुसलसल गिरिया है, अपने बाबा को याद कर करके रो रही। सुनिएगा अजीजा ने गिराम इंशाल्लाह रोएगा। खूब पुरसा पेश करेंगे हजरत हुज्जत की बारगाह में। बिलाल रसूल का मौज़िन, रसूल के बाद जमाना बदला हुआ देखा, अमीरुल मोमिनीन का हक छिन गया, जो रसूल का वारिस था उसे रसूल के मिंबर पर नहीं बैठने दिया गया। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, अहद कर लिया अब अजान नहीं दूंगा, रसूल नहीं रहे मैं इस हुकूमत के लिए अजान नहीं दूंगा। एक मरतबा ज़ियारत रसूल कब्र रसूल की ज़ियारत के लिए मदीने लौटे, सैयदा को पता चला बाबा का मौज़िन आया है। बिलाल खिदमत में पहुंचे शहजादी की बीबी ने कहा बिलाल मैं चाहती हूँ आज तुम अजान दो। बिलाल ने अहद किया था रसूल के बाद अजान नहीं देंगे, लेकिन बिलाल को मारिफत थी। बिलाल जानते थे सैयदा का हुक्म देना भी ऐसा ही है जैसे रसूल का हुक्म देना। बिलाल गुलदस्ते अजान पे चले गए। उधर बिलाल है रसूल का मौज़िन है, इधर घर में रसूल की बेटी है। बिलाल ने कहा अल्लाह अकबर, सैयदा को बाबा का जमाना याद आया, आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। बिलाल अजान देते जा रहे हैं, सैयदा रोती जा रही है, यहां तक कि बिलाल ने कहा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही ये कहना था किसी ने आकर कहा बिलाल अजान रोक दो, बिन्त रसूल को खश आ गया। चंद जुमले मजलिस तमाम हो रहे हैं। शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं रसूल खुदा के फिराक में जामे सैयदा का क्या हाल था। फरमाते सात दिनों तक रसूल की शहादत के बाद सात दिनों तक जनाब सैयदा घर से नहीं निकली। आठवां दिन आया, बीबी ने चाहा कि बाबा के कब्र की ज़ियारत करूं, बैतुल शरफ से कब्र रसूल की तरफ बढ़ी। मंजर भी लिखा है इस तरीके से बढ़ी कि साथ में चंद बावफा कनीज़े थी। इस तरीके से बढ़ी कि बीबी सैयदा की चादर के एक सिरे की ज़मीन बोसे दे रही थी। सैयदा की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। बैतुल शरफ और मस्जिद नबवी एकदम मुत्तसिल हैं। बैतुल शरफ से बरामद हुई, चंद कदम चली थी कि बाबा की कब्र नजरों के सामने आई। अब रवायत के जुमले ये हैं कि जैसे ही बाबा की कब्र को देखा एक मरतबा सैयदा गिरी और बीबी को गश आ गया। सैयदा को गश आ गया जैसे ही कब्र रसूल को देखा। थोड़ी देर बाद जब कुछ देर बाद गशी से इफाका हुआ तो बीबी ने एक जुमला कहा, वो जुमला बड़ा सख्त है, मैं शायद तर्जमा भी उसका ना कर पाऊँ मेनुअल उस इबारत का, लेकिन मौजूद है किताबों में, उनका हुक्म है उनके मसायब ना छिपाए जाएं, इसलिए पढ़ रहा हूँ, नहीं तो ये जुमला मैं नहीं पढ़ सकता था। बीबी की जब आँख खुली ना गशी से फाका हुआ तो बाबा की कब्र को देख कर कहा इलाही अज्जिल वफाती सरिया। अब मैं इसका मेनुअल तर्जमा नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मफहूम सुन लीजिए। सैयदा ने कहा खुदाया अब बाबा के बाद इस दुनिया में दिल नहीं लगता। जिस दुनिया में अली का हक छीना गया, जहां मेरा मोहसिन मारा गया, जहां मेरी पसलियां तोड़ी गई, मेरा दिल इस दुनिया में नहीं लगता। खुदाया जल्दी से मुझे मेरे बाबा से मिला दे।
आज पहली मल्ले साजिदान ग्रामी में आपकी खिदमत में क्या बयान करूं। एक खुदा शाहिद है जनाब सहरा के मसाए पढ़ना जितना मुश्किल है उतना कोई और मसाए पढ़ना मुश्किल नहीं है अजीज साहब। मुझे जल्दी से मेरे बाबा से मिला, अब इस दुनिया में दिल नहीं लगता। अजीजान ग्रामी यही जज्बात है, यही जज्बात है। मदीने से लेकर करबला तक आपको यही जज्बात मिलेंगे। सैयदा का दिल नहीं लग रहा इस दुनिया में, ये बता रही है। मेरे बाबा के बाद ये दुनिया रहने लायक जगह नहीं है, जीने लायक जगह नहीं है, यही जज्बात है। जब करबला में अब्बास फरात पर आए और चुल्लू में पानी लिया और पानी को भेगा, हमार सुनते से पानी को भेगा, मौला ने सिर्फ पानी को नहीं भेगा था बल्कि चार मिसरे पड़े थे। वही जज्बात है जो कब्र रसूल पे जनाब सैयदा के, वही जज्बात फरात पर अबुल फजल अब्बास के। मौला अब्बास ने चार बार, ये भी ऐसे दर्दनाक मिसरे जब पढ़ता हूँ कलेजा मुंह को आ जाता है। मौला अब्बास ने कहा था, या नफ्स मम बादल उसैद हुदी व बादहु ला कुंत तकूनी हाजा उसैद वारिद बदूनी बारे दिल भाई दी है मेरी जान, क्या हुसैन के बाद जीना भी कोई जीना है? हुसैन के बाद ये दुनिया रहने लायक जगह नहीं है। मल्लिस तमाम हो रही है सैयदा कब्र रसूल पर रोती जा रही है और बयान करती जा रही है। बीबी ने एक नोहा पढ़ा, उस नोहे के बस दो शेर सुनिए। शहजादी ने कहा, या रसूल अल्लाह अला लहू या खियरत अल्लाह या कहफ अलैताम व दुआफाई लौ तरल मिंबर अल्लज़ी कुंता तअलू अलाहु गुलाम बाद अज़्ज़ियाई। ऐ मेरे बाबा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के चुने हुए, ऐ यतीमों और ज़ईफ़ों की पनाह का, क्या आपने अपने मिंबर को देखा है? ए बाबा, क्या आपने उस मिंबर को देखा है जिस मिंबर पे आप बैठते थे? ए बाबा, आपके बाद अली कहा कैसे छीना गया? जिस मिंबर पे कल आपका नूर रहता था, आज उस मिंबर पे अंधेरे छा गए, आज उस मिंबर पे तारीखी आ गई। मैं दस्ते अदब जोड़ूंगा और दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा, मेरी शहजादी, आपके सामने बाबा की कब्र है, रसूल की कब्र है, कब्र में लाशा है और ऐसा लाशा है जिसे गुस्ल भी दिया गया है, कफन भी पहनाया गया। आप जब ऐसे बाबा की कब्र पे पहुंची हैं तो ये हाल है। जरा करबला में आइए, एक बहन है जो भाई के लाशे बना रही है और भाई का लाशा इस हाल में है, वो हुसैन जिसे उसके खून से गुस्ल दिया गया है, जिसे खाके करबला का कफन बनाया गया, जिसे घोड़ों की टापों से हनूद किया गया। और जब वो बहन आज सैयदा रसूल की कब्र पे आई, कल सानिय जहरा फरजंदे रसूल की कब्र पे आएंगी। जहरा ने भी कुछ कहा है और सानिय जहरा भी कुछ कहेंगी। क्या कहेंगी? बस वो जुमला से मजलिस तमाम हो रही है। जो रोने के लिए आए हैं, जो पुरसे, क्या कहा बीबी ने भाई की कब्र पे पहुंच कर? क्या कहा जैनब जैसी बहन ने हुसैन जैसे भाई के लाशे पे पहुंच के? क्या कहा बीबी ने वो जुमला का, कयाम कयामत तक जाकिरीन मसाए पढ़ते रहे, मरसिए कहने वाले नौहे पढ़ने वाले मरसिए पढ़ते रहे, नौहे पढ़ते रहे। इस एक जुमले के दर्द को जो है उसकी शरह नहीं हो सकती, उसकी तफसीर नहीं हो सकती। जैनब जैसी बहन ने हुसैन जैसे भाई के लाशे पर आकर कहा, अंता याखी, अरे क्या तू ही मेरा माजाया है? क्या तू ही मेरा भाई? खुदा जाने इन मलाइन ने हुसैन के लाशे के साथ ऐसा क्या किया कि जैनब को कहना पड़ा, क्या तू ही मेरा भाई है? जवाब मिलेगा, शाम गरीबा में आओ, हुसैन के लाशे में कोई आया, अम्मामा लूट के ले गया, कोई आया जरा लूट के ले गया, आखिर में जब माल मलहून आया, देखा मामा लुट गया, जरा लुट गई, पटका लुट गया, कुछ नहीं बचा, आखिर में एक अंगुश्तरी थी जो चमक रही थी, उस मलहून ने बड़ी कोशिश की, अंगुश्तरी बाहर नहीं आई, खंजर निकाला, हुसैन की अंगुश्तरी बाहर खंजर जला, जमीन आसमान कांपे, सैयदा की आवाज, वाह हुसैना, वाह मज़लूमा।
محمد جل وليك الفرج وجعلنا من عباده وانصاره मोमिन के लिए नजर मौला का एहतमाम किया गया। नजर नोश फरमाई अंजुमन वफादार अलमदार से गुजारिश नौहाखानी करें। हजरात कल ठीक 9 बजे शब में मजलिस शुरू हो जाएगी, आज थोड़ी ताखिर हो गई थी, पहला दिन था। 9:30 बजे या 9:25 को मौलाना मिंबर पर तशरीफ लाएंगे और तमाम मजलिसों के बाद नजर मौला का भी एहतमाम किया गया। पहला खमसे के बाद 3 मजलिसों को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना औरजुल हसन साहब क़िबला जो लखनऊ से आ रहे हैं। उसके बाद तीसरे खमसे को खिताब फरमाएंगे आले जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला और आखिरी खमसे को जनाब मीसम जैदी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। इसलिए गुजारिश आप 9 बजे तक तशरीफ ले आएँ, 9:30 बजे या 9:25 मौलाना मिंबर से तशरीफ लाएँगे। अंजुमन वफादार अलमदार से गुजारिश है नौखानी करें और तमाम मोमिन नजर चक के यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे। या हुसैन खैर अमल हयाला 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 या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हम है दुआए सैयदा बीबी से एक वादा रहा ये खून का पुरसा तुम्हें देते रहेंगे हम सदा या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन एन ये फातिमा के आस की ये फातिमा के आस की है अंजुमान अब्बास की है सब वफादार यहाँ है ये अता अब्बास की हैया या हुसैन हुसैन या हुसैन फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया फातिमा
फातिमा का भरे मदीने में गम बताने कोई नहीं आया। फातिमा का घर जलाने तो कलमा गो आए, दर बुझाने कोई नहीं आया। फातिमा का बड़े मदीने में हम बताने कोई नहीं। फिर पढ़ो। फातिमा का बड़े मदीने में हम बताने कोई नहीं आया। घर जलाने तो कलमा गो आए, दर बुझाने कोई नहीं आया। फातिमा का बड़े मदीने में हम बताने कोई नहीं। फिर पढ़ो। फातिमा का बड़े क्या वो इस्लाम का ही मरकज था, क्या मदीना था वो मोहम्मद का, क्या वो इस्लाम का ही मरकज था, क्या मदीना था वो मोहम्मद का। लग रहे थे जहाँ पे जहरा के ताजिया ने कोई नहीं आया। फातिमा का बड़े मदीने में हम बताने कोई नहीं आया। फातिमा का बड़े मदीने में हम बताने कोई नहीं आया। रस्सियां थी अली की गर्दन में और बाजार से गुजर थे, रस्सियां थी अली की गर्दन में और बाजार से गुजरते थे। सब तमाशा ही बन के तकते रहे, पर छुड़ाने कोई नहीं आया। फातिमा का बड़े मदीने में गम बताने कोई नहीं आया। फातिमा का बड़े मदीने में गम बताने कोई नहीं आया। घर जला कत्ल हो गए मोहसिन, पसलिया सही यदा की टूट गई। घर जला कत्ल हो गए मोहसिन, पसलिया सही यदा की टूट गई। फिर भी कहते वो तुम के जहरा पर जुल्म ढाने कोई नहीं आया।
फातिमा बरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया। घर जलाने तो कलमा गो आए, दर बुझाने कोई नहीं आया। फातिमा का